न्यूज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए बंद के चलते हुए बहुत ही आसान सी और सिर्फ दो चीजों से बनने वाली, जिसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल होगा, इतनी इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही चटपटा सा स्वाद आएगा इसका। बच्चे हों या बड़े, आप किसी के लिए भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से दो चीजों से बनने वाली ये टेस्टी सी स्नैक्स तैयार कर लेते हैं। तो ये चटपटा नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 आलू लिए हैं। आलू को पहले से ही छील कर रखा है और पानी में ने डिप करके रखा है ताकि ये ऊपर से काले ना हो। यहाँ मैंने 4 आलू लिए हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार कितनी भी क्वांटिटी में आलू को ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले आलुओं को ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरे बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है और एक ग्रेटर की हेल्प से हम इन आलुओं को ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए मीडियम साइज की तरफ से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें आलुओं को ग्रेट करना होगा, इस तरीके के लच्छे निकलेंगे। आलू को आप पानी में ही ग्रेट करें ताकि जो आलू के लच्छे हैं वो काले ना पड़े। तो यहाँ मैंने 4 आलुओं को ग्रेट कर लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से निचोड़ेंगे, बहुत ही अच्छे से। आप हाथ से इसे निचोड़ लें, बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे। आप चाहें तो कोई कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और उसके अंदर इसमें आलू को डालकर अच्छे से निचोड़ लें, सारा एक्सेस वाटर इसमें से निकाल लें। तो आलू को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो अब यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसे बिल्कुल बारीक काटा है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ले लिया है और 2 हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है। ये तीनों चीजें मैं इसमें डाल देती हूँ। फ्रेंड्स ये सब कुछ ऑप्शनल है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज ना हो तो आप सिर्फ आलू से ही इस नाश्ते को बना सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने ये आधा चम्मच नमक लिया है और आधा चम्मच ही कुटी हुई काली मिर्च पाउडर लिया है। कुटी हुई काली मिर्च की जगह आप सिंपल लाल मिर्च डाल सकते हैं और नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस नाश्ते को और भी बढ़िया स्वाद देने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच सेजवान की चटनी डाल रही हूँ। अगर आपके पास सेजवान चटनी ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बिना सेजवान चटनी के भी आप इसे ऐसे ही बनाकर खा सकते हैं, ये उतना ही टेस्टी और लाजवाब लगता है। तो हमारी दूसरी ज़रूरी चीज़ है बेसन। बेसन तो घर में सभी के पास अवेलेबल होता है। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, अरारोट भी डाल सकते हैं, चावल का आटा भी डाल सकते हैं, या इनमें से कुछ भी ना हो तो आप इसे गेहूं के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी आप इसमें डालकर इसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने 5 बड़े चम्मच बेसन लिया है। बेसन हम इसमें डाल देंगे, दो दो तीन तीन चम्मच करके आप इसमें डालिए और अच्छे से मिला लीजिएगा। एक साथ सारा बेसन हमें नहीं मिलाना है। तो अभी मैं इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस पूरे मिक्स को बनाने के लिए मैंने 5 बड़े चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है और हमारा मिक्स बिल्कुल इस तरीके का बनकर रेडी होना चाहिए। हल्का सा इसमें बाइंडिंग आनी चाहिए, जब मैं इसे इकट्ठा करूं तो ये हल्का हल्का सा इकट्ठा होना चाहिए। बस इतना ही बेसन हमें इसमें डालना है, बहुत ज़्यादा बेसन इसमें नहीं डालना है। तो चलिए हमारा आलू का जो मिश्रण है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। फटाफट से हम इसके छोटे छोटे से पैनकेक बना लेते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर तवा रख लिया है, और तवे पे हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। तो मेरा तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, आप इतने गर्म तवे पर बैटर को ना डालें, हल्के गर्म तवे पे आप इस मिश्रण को डालें। 1 चम्मच भर के मिश्रण हम तवे पे डालेंगे और इसे मैं एक स्क्वायर शेप दे देती हूँ। तो आप इस नाश्ते को अपनी मनचाही शेप में बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना लीजिए, स्क्वायर शेप बना लीजिए, या फिर ट्रायंगल शेप दे दीजिए, या फिर सिंपल गोल शेप में भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। इसी तरीके से हम एक स्पून से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर इसे फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा मिश्रण नहीं फैलाना है हमें, क्योंकि ये अंदर से नहीं सिक पाएगा। अगर आपने बहुत मोटे मोटे पैनकेक्स बना लिए,
आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ मैं कम तेल में इस नाश्ते को बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे तवे पर सेक कर बना रही हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई कर इसे फटाफट बना सकते हैं। तो ये एक तरफ से हल्का सा सिक चुका है, अब हम इसे पलट लेते हैं। थोड़ा सा चम्मच से ऑयल को डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। गैस के फ्लेम को आप लो टू मीडियम के बीच में रखकर इन्हें अच्छे से सेक लें। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी और चटपटा नाश्ता है जो कि बहुत जल्दी घर पर बन जाता है। इस तरीके से आप ये नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही कम सामानों में हमने इसे बनाकर तैयार किया है। मेनली हमें सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, बेसन और आलू, उसी से हम ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप यूज़ करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे स्क्वायर शेप के ये छोटे छोटे पैनकेक बन चुके हैं, इन्हें हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब यहाँ मैं एक गोल शेप में पैनकेक बनाऊंगी, आप इसे सिंपल गोल शेप में फैला सकते हैं। तो तवे को पहले हमें हल्का सा साफ कर लेना है, उसके बाद ही हम इस पे दूसरा पैनकेक फैलाएंगे। तो अब हम फिर से तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, और उसके बाद आलू को हल्का मोटा मोटा फैला देंगे। ये देखिए, चम्मच से ही मैं इसे गोल शेप में फैला देती हूँ। इस तरीके से आप इसे गोल शेप में फैला लीजिए, जितने बड़े साइज में बनाना है उतना बड़ा, या फिर छोटे छोटे पैनकेक्स भी आप बना सकते हैं। अब ये एक तरफ से हल्का सा सिक गया है तो इसे पलट लेते हैं, और दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छे से ऑयल लगाकर सेकेंगे। हल्का हल्का तेल लगा लीजिए, आपको कितना तेल इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर है। आप इसमें थोड़ा सा कम या ज़्यादा तेल लगाकर इसे अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। तो हमारा आलू का चटपटा टेस्टी नाश्ता बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से घर पर आप झटपट से बिना किसी मेहनत के बहुत जल्दी ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, हमारा टेस्टी नाश्ता तैयार हो गया है। कितने कम टाइम में हमने ये नाश्ता बना लिया है। आप चाहें तो इस तरीके से स्क्वायर शेप में स्नैक्स बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से पैनकेक्स बना सकते हैं, गोल गोल पैनकेक बना लीजिए। तो आपको जो शेप पसंद हो उस शेप में आप अपने नाश्ते को बनाकर सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम तेल में हमारा इतना बढ़िया नाश्ता तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये नाश्ते की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।